नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बात करेंगे बाजार की, कहाँ खुलेगी, संकेत बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बताएंगे आपको। FIH DIH का डेटा जरूरी है डिस्कशन में लाना, ठीक है। 2800 करोड़ की बाइंग आई, कुछ लोग कह रहे हैं इंडेक्स फंड ने आकर के यहाँ पर बाइंग करी है। दोस्त, कहानी बहुत बन सकती है और मैं इससे इग्नोर भी नहीं करा रहा हूँ आपको कि इंडेक्स फंड ने आकर के बाइंग नहीं करी, लेकिन ये सोचिए कि यहाँ पर आकर के क्यों बाइंग करी, नीचे क्यों नहीं करी। उनके पास दिमाग नहीं था, जब बाजार गिरी थी तब बाइंग कर लेते। कुछ लोग कहेंगे टाइमिंग का इशू हो जाता है, तो कोई बात नहीं यार, FIIs हैं, उनके पास दिमाग होता है, लेकिन वो अलग लेवल से गेम खेलते हैं। कभी और समझाऊंगा, कई बार समझा भी चुका हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हो वीडियो जो इस वीकेंड पे डाली गई है, काफ़ी लोगों ने उसको देखा है, समझने की कोशिश भी की। आप भी जा करके देख लेना, जहाँ पर मैंने डिस्कशन किया हुआ है FIIs DIIs के डेटा पर, ठीक है। DIIs ने सेलिंग करी, इसको आप नेगेटिव मत मानिएगा। FIIs ने यहाँ पर बाइंग करी, इसको आप बहुत पॉजिटिव मत मानना। इस पर आपको रिलाई नहीं करना है, भले वो उन्होंने बाइंग करी है, लेकिन ये डेटा बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन, ठीक है। जो भी हो आगे हम देखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से DIIs अभी भी बाइंग करेंगे, FIIs आगे सेलिंग करेंगे। जैसे ही उनको मौका मिलेगा ऊपर के लेवल पे, वो घायल शेर हैं, याद रखिएगा, बहुत भयंकर सेलिंग कर सकते हैं। बाकी जो भी होगा आपको टच में रहना है। अब बात करते हैं बाजार की, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बताएंगे, पहले इंट्राडे स्टॉक्स आपको बता देते हैं। उससे भी पहले ग्लोबल मार्केट का हालचाल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो फ्राइडे का सेशन था, जिस दिन हम सब होली खेल रहे थे, दुनिया भी होली खेल रही थी, यानी कि ग्लोबल मार्केट्स में अच्छे संकेत बन रहे थे हमारे लिए, यानी कि ओपनिंग के संकेत हमारे लिए काफ़ी अच्छे हैं। 250 पॉइंट के आसपास की तेजी एक समय SGX निफ्टी दिखा रहा था, क्लोजिंग में 200 पॉइंट के ऊपर हुई है। क्या सच में हम 200 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, ये थोड़ी देर इंतजार कीजिए, बता रहा हूँ। पहला इंट्राडे स्टॉक रहेगा सन टीवी, ठीक है, जहाँ खड़ा है यहीं पर आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स भी है, स्टॉक भी है। स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की वीडियो अलग से आपको दी जा चुकी है, तो आप उसको अगर देखना चाहते हो देकर जाकर देख लो। वो वीडियो सिर्फ डबल आई स्विंगर वालों के लिए ही नहीं होती है, आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि उनकी संख्या काफ़ी कम है और वो लेस देन 500 है। आपको वहाँ पर ज़रूर जाकर के देखना चाहिए, स्टॉक्स जो हैं कैसे पकड़ना है, लेवल्स भी आपको वहाँ पर समझाए जाते हैं, तो जाकर के देख लेना स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो इफ यू आर इंटरेस्टेड। बाकी आगे बढ़ते हैं सन टीवी के अलावा, एक स्टॉक है टाटा स्टील। बहुत सारे लोग पूछते हैं का कुछ स्टॉक्स की लॉजिक नहीं समझ में आती, तो यार अब इतना मैं लाइन नहीं खींचना चाहता, कोई लेवल आपको यहाँ पर नहीं लिख के बताना चाहता। बाकी फिबोनाची वाली वीडियो, ठीक है, पिवट पॉइंट वाली वीडियो जाकर के देखो, ऐसे नहीं, मतलब यहाँ पर कुछ और नहीं बोलूँगा, लेकिन जो ये वीडियो नहीं देखेगा वो कहाँ से कह देगा कि मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ या स्विंग ट्रेडर हूँ, हवा हवाई बात कर रहे हो, ठीक है। कहीं से भी देख के आओ, लेकिन देखना पड़ेगा, समझ के ही आप आगे बढ़ सकते हो। बाकी ये ट्रेंड लाइन क्या कह रही है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 और याद रखना यहाँ पर गिरावट आ गई, इसको जब इसने टेस्ट किया, लेकिन यहाँ पर गिरावट उस हिसाब से नहीं आई, केवल SL हंटिंग हुई है। देखिए यहाँ पर स्टॉक गिरना नहीं चाहता है, यहाँ पर भी देखिए बड़ी गिरावट आई, बड़ी तेजी भी तुरंत आ गई, गिरावट आई तुरंत तेजी आ गई, इसका मतलब क्या है कि अब ये इसको तोड़ करके ऊपर जाना चाहता है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड लाइन लेवल्स भी फिबोनाची बढ़िया सजेशन दे रहा है। 1300 के ऊपर साइकोलॉजिकल क्लोजिंग भी हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में है टाटा स्टील में, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर ये यहाँ पर रेजिस्टेंस प्राप्त करता है 1220-1215 तक भी गिर सकता है, तोड़ा तो धूमधड़ाका करेगा, इधर साइड हमको बड़ा ट्रेड मिलेगा टाटा स्टील में। ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स में लॉजिक होती है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पर कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, क्यों ट्रेड लेना है, किसको किसको नहीं बताना है, जो वीडियोस देख करके आएंगे। नहीं देखोगे फिर वही पूछोगे सर आपकी लॉजिक नहीं समझ में आती, लॉजिक नहीं समझ में आती, सेटअप बना लियो, सेटअप पे ट्रेड करो, दैट्स इट। कुछ तो करना पड़ेगा दोस्त, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, बहानेबाजी नहीं चलती है। HLTech IT स्टॉक्स पे मैंने अलग से वीडियो बनाई है, यहाँ पर 1200 को क्रॉस करने दीजिएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, मेरे हिसाब से 1203-1204 का लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर उसके आसपास रेजिस्टेंस लेता है स्टॉक तो जाने दीजिएगा, नहीं लेता है, चलना चाहता है तो चलने दीजिएगा, मजे लूट लीजिएगा। BPCL यहाँ पर हाँ बताने की ज़रूरत है थोड़ी सी, वैट हमारे फेवर में है, लेवल जहाँ पर खड़ा है मतलब 360 तक मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती, 360 के नीचे आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाना है, जो कि दूर है, मतलब 360 के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, अगर मिल जाता है पॉजिटिव साइड का ट्रेड, बढ़िया है, ठीक, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, रिस्क रिवार्ड भी फेवरेबल है नॉर्मल स्विंग ट्रेड के लिए भी। विप्रो, HLTech और विप्रो में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है, अगर दोनों में परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई दोनों ले लीजिएगा, आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो, बताने की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा में थोड़ी सी ज़रूरत है बताने की, क्योंकि ये स्टॉक अगर 800 के आसपास खुला, वो लेवल इसके लिए काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है, फिर से बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस है, उसको सपोर्ट बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि जब तक ये 806 807 808 नहीं जाएगा तब तक ये अपने 800 के लेवल को डिफेंड नहीं कर पाएगा। अब ऐसा नहीं ये 801 गया आप तुरंत ट्रेड ले लो, क्योंकि फिर 800 बहुत कमज़ोर सपोर्ट बनकर उभरेगा,
यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन ट्रेड बहुत बढ़िया मिल सकता है। मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस यहाँ पर बड़ा फेस होगा। अगर मार्केट इन केस गैप अप करने के बाद गिरने लगती है तो ये हो सकता है ये बेटर बेट साबित हो सेल साइड का ट्रेड देने में। बाकी सेटअप पे रहना है, इन्जॉय करना है, जिस तरफ भी मोमेंटम ये आपको देना चाहेगा आपको इन्जॉय करके ले लेना है, दैट्स इट, हो गया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की। 200 पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग है सिंगापुर वाली निफ्टी की। अगर अमेरिका का फ्यूचर फ्लैट रहता है तो 120 से 140 पॉइंट के आसपास हम ओपनिंग करेंगे। अमेरिका के फ्यूचर को पॉजिटिव ट्रेड करना पड़ेगा कम से कम 50 से 70 पॉइंट, मैं डाउ फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ मिनिमम, ठीक है। और ये 100-150 पॉइंट चला गया तो अच्छी बात है, तब हम 200 पॉइंट के आसपास की ओपनिंग दे सकते हैं। अगर ये इतना नहीं होता, कोई नेगेटिविटी आती है थोड़ी बहुत, जैसे कि 50-70 पॉइंट की नेगेटिविटी, तो भी हम पॉजिटिव खुलेंगे। याद रखिएगा, अमेरिका में फ्लैट ट्रेड हो रहा है तो भी हम पॉजिटिव खुलेंगे, फ्लैट टू नेगेटिव हो रहा है तो भी पॉजिटिव खुलेंगे, फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है तो बहुत अच्छा बढ़िया ओपनिंग करेंगे। लेकिन अमेरिका में कोई दिक्कत आती है तो हम फ्लैट खुल के नेगेटिविटी दिखा सकते हैं। यह सिनारियो, इसके लिए आपको सुबह वाले डेटा पर निर्भर होना पड़ेगा। मैंने अपने यहाँ से जो प्रेडिक्शन करना था वो कर दिया। मेरे हिसाब से बाजार 120 से 140 पॉइंट के आसपास ओपनिंग दे सकती है, और ये जो ओपनिंग होगी ये बाजार को कहाँ खोल रही है, लगभग 17,350 के आसपास, और वहाँ पर आ रहा है हमारा रेजिस्टेंस भी 17,382 का। तो नोट कीजिए 17,382, ये मात्र 100 पॉइंट के ऊपर का लेवल है। 17,427 ये है दूसरा, और इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। 17 ये लेवल और ये लेवल में आप अंतर देख रहे हैं, मात्र 100 पॉइंट का अंतर है। इसके बीच एक आपको और रेजिस्टेंस मिल रहा है, ध्यान रखना है, ठीक। 17,488, 427, 382 ये रहेंगे क्या रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, 17,331 पे, 261 पे, 17,196 पे, ठीक है। ये हो गए सपोर्ट लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी, यहाँ पर चीज़ें आसान हैं। और हाँ, एक बात याद रखना दोस्त, कि जो आपको ये लेवल्स बताए जाते हैं ना, उनको आपको कम से कम 5 दिन 10 दिन 15 दिन जा करके बैक टेस्ट करना है, तब ट्रेड लेना है। और एक दिन अगर लेवल एकदम सटीक लेवल्स पे, जैसे अभी 2 दिन 3 दिन से लगातार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है लेवल अपनी, तो लोग आकर के वही कहानी करते हैं जो मैं कई बार समझा चुका हूँ आपको, ये नहीं करना है। कुछ चीज़ें कुछ दिन काम करती हैं, उसके बाद कुछ दिन आराम करती हैं, तो ये भी देखना है जब वो आराम करें तो आप लॉस से खुद को बचा पाओगे कि नहीं। कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐसी नहीं है कि एकदम बस इसी पे चलते जाओ एकदम बेटा मंजिल मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। स्टॉक मार्केट में समझना पड़ेगा आपको, बहुत डायनेमिक चीज़ें यहाँ पर होती हैं। नहीं समझोगे तो फिर अफसोस के साथ वही कहना पड़ेगा जो बार बार कहता हूँ, आज नहीं कहना चाहता, होली के बाद का समय है, अच्छे से बीतने जाने दो, बीत जाने दो। अभी लेवल नोट कर लो 36,735, और अभी मुझे बैंक निफ्टी में ज़्यादा तेज़ी दिखाई देती है निफ्टी के मुकाबले। इससे पहले वाले सेशन में मैंने क्या कहा था कि ये चीज़ उलट होगी, यानी कि निफ्टी ज़्यादा तेज़ी दिखाएगी बैंक निफ्टी नहीं, ये टेक्निकल डेटा के हिसाब से ही आ रहा है। और 37,106 ये लेवल रहेगा बड़ा लेवल, ठीक है। इसके ऊपर अगर बाजार जाती है 37,500, जो कि थोड़ा सा वहां से आप नीचे खिसकाओगे 37,468 या 70 के आसपास, ये अप्रॉक्स डेटा है, लेकिन फिर भी आप इसको 37,470 मान सकते हो। यहां पर बाजार बड़ा रेजिस्टेंस प्राप्त करेगी, यहां तक आसानी से भाग सकती है, तो ये लेवल ध्यान में रखना है। सपोर्ट रहेगा 36, जहां पर बाजार खड़ी है यही सपोर्ट है, इसके लिए 416 आ रहा है, ठीक है, यही सपोर्ट बन करके आ जाएगा 109 और 35,810, ये रहेंगे बाजार यानी कि निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट लेवल्स। आई होप सारे डेटा मैंने कवर कर लिए। ओपनिंग की बात भी मैंने की, FII DII हो गए, इंट्राडे स्टॉक्स हो गए। हाँ, इंट्राडे परफॉर्मेंस बढ़िया जा रही है, और इसीलिए कहता हूँ कि जब आपका रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में होगा तो बाजार आपको कभी भी करारा तमाचा मार के बाहर नहीं करेगी। लॉस देना चाहेगी तो एक्सेप्ट करो, खुशी खुशी एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि बाजार जब लॉस देती है तो चेकअप करती है आपका, उसके काबिल भी हो यहाँ रहने के, अगर नहीं हो तो ईगो दिखाओगे तो बाजार बाहर कर देगी, ये तो आप जानते ही हो। बाकी कोई सवाल सुझाव हो तो बताइएगा, नीचे आपको नंबर मिल जाएगा। कोई क्वेरी हो बड़ी सी छोटी सी तो niftyindia.in खोलकर नाम, ईमेल आईडी, मैसेज भेज सकते हो। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।